हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीराज किचन। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। तो आज हम बनाएंगे होली की स्पेशल मावा गुंजिया, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। और ये गुंजिया हम अलग शेप में बनाएंगे, चक्र शेप में बनाएंगे, जो बहुत ही अच्छी लगती हैं, खाने में भी टेस्टी बनती हैं। एकदम हलवाई स्टाइल हम ये गुंजिया बनाएंगे और इनको बनाना बिल्कुल ही आसान है। होली पर गुंजिया ज़रूर से बनाई जाती है, तो आप ये गुंजिया ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले हम आटा लगा लेंगे। आटा के लिए हमें मैदा लेना है। मैदा की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक से मीठा जो है बैलेंस हो जाता है। थोड़ा सा डाल दीजिए। अब हम इसमें मोइन ऐड करेंगे। तो मोइन के लिए हमें यहाँ पर घी का यूज करना है। घी से बहुत ही अच्छी खस्ता गुंजिया बनेंगी। और तेल डालेंगे तो वो कुरकुरी हो जाएंगी, उनमें बबल्स आ जाएंगे। तो हमें यहाँ पर घी का यूज़ करना है। घी को अच्छे से मैदा के साथ मिक्स कर लीजिए, इसका मोइन बना लीजिए। मोइन बनाते वक्त ध्यान रखना कि इसकी मुट्ठी बननी चाहिए, तभी ये मोइन एकदम परफेक्ट रहेगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सख्त डो लगाकर तैयार करेंगे। डो आपका यहाँ पर सख्त होना चाहिए, ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा तेल लगा देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स कर लीजिए और इसको ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। तब तक हम यहाँ पर गुंजिया के लिए स्टफिंग बना लेंगे। तो हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें मैंने मावा बनाया था वही वाली कढ़ाई ले ली है। इसमें एक बड़ा चम्मच देसी घी ऐड करेंगे और एक कटोरी सूजी। सूजी को हम यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि इसमें से बढ़िया सी खुशबू आने लगे और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। हमें यहाँ पर इसका ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, बस ये भुन जाए और इसकी खुशबू आने लगे, इतना ही हमें इसको भूनना है। और घी में जब सूजी भूनती है तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैंने काजू बादाम लिया है, आप यहाँ पर किशमिश अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड किया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी स्टफिंग में। और ये मैंने एक कटोरी डेसिकेटेड नारियल लिया है, अगर आपके पास ये वाला है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप जो सूखा वाला गोला होता है, खोपरा बोलते हैं जिसको, उसको कद्दूकस करके मिक्सी में पीस लीजिए, वो भी बहुत ही अच्छा नारियल बुरादा बनकर तैयार हो जाता है, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर अच्छे से सूजी के साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हल्का सा भुन जाएगा, क्योंकि सूजी बहुत ज़्यादा गर्म है। और ये देखिए नारियल सूजी और ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से भुन गए हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको उतार लेंगे। अब हम इसमें मावा ऐड करेंगे। ये देखिए ये मावा मैंने घर पर बनाया है, बहुत ही अच्छा मावा बन जाता है, मार्केट वाले मावे से बहुत ही अच्छा रहता है और इसमें मिठास भी बहुत ज़्यादा होती है। घर का बना हुआ मावा बहुत ही अच्छा रहता है। ये मावा मैंने ऐड कर दिया है। सूजी अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये मावा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मावा मिलाने के बाद हम इसमें चेक कर लेंगे कि हल्का सा गर्म होना चाहिए। अब हम इसमें मीठा ऐड करेंगे। ये मैंने मिश्री ली है, जो धागे वाली मिश्री होती है, उसको पीस लिया है। आप चाहें तो चीनी का भी यूज़ कर सकते हो। मीठा भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कम ही डाला है, क्योंकि हम ऊपर से चाशनी भी डालेंगे तो ये ज़्यादा मीठी हो जाएंगी। ये देखिए हमने इसको अलग बर्तन में निकाल लिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो चलिए आटा चेक कर लेते हैं। ये देखिए 10 मिनट में ही आटा ये जो अच्छे से सेट हो गया है। इसको एक बार अच्छे से गूंथ लेंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और ये आटा हमारा लगकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी गुंजिया चक्री बनाएंगे। एक बड़ी सी लोई ले लेंगे इस तरह से और उसकी बड़ी सी रोटी बना लेंगे। एकदम पतली सी रोटी बनानी है, जितनी हम गुंजिया बनाते हैं ना वैसे ही पतली हमें यहाँ पर बड़ी सी रोटी बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से बना लेंगे। और आप यहाँ पर कोई भी ग्लास या कटोरी ले लीजिए छोटी साइज़ की और इसको इस तरह से कट कर लीजिए। एक बार में 7 से 8 गुंजिया चक्री बनकर तैयार हो जाएंगी। अलग अलग इस तरह से गोल गोल लोई बनाकर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप ये ट्रिक अपना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है।
और ये देखिए मैंने ये गोल वाला सांचा लिया है, मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, अलग अलग शेप के सांचे मिल जाते हैं। मैंने ये गोल वाला लिया है। अब हम इसके ऊपर एक पूड़ी रखेंगे और इसमें ये स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग आपको यहाँ पर अच्छे से भरनी है क्योंकि ये जो सांचा है दोनों साइड से गोल है। ये देखिए इस तरह से भर लेंगे बहुत ही अच्छे से, एकदम गोल गोल शेप देते हुए इसको भर लीजिए। और इसकी जो किनारे हैं उसके ऊपर स्टफिंग नहीं आनी चाहिए, नहीं तो जो दूसरी पूड़ी हम इसके ऊपर लगाएंगे वो चिपकेगी नहीं। और ये देखिए दूसरी वाली पूड़ी को हम इस तरह से रखेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट इस पूड़ी के ऊपर भी रख सकते हो। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और ये देखिए इसको इस तरह से हम चिपका देंगे। पानी लगाने से अच्छे से चिपक जाती हैं दोनों पूड़ियाँ आपस में। और इसको चाकू की सहायता से हम यहाँ पर जो बाकी का बचा हुआ आटा है उसको निकाल लेंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी शेप आई है इसकी, एकदम गोल है, बहुत ही सुंदर लगती है दिखने में भी। और आप एक बार में एक पीस आराम से खा सकते हैं। ये देखिए इसी तरह से हम यहाँ पर दूसरी वाली गुंजिया बनाएंगे। और ये देखिए स्टफिंग आपको अच्छे से भरनी है इसमें क्योंकि ये जो सांचा है इसके दोनों साइड में होल हैं, बहुत ही गहरा है ये, तो हमें इसको अच्छे से भरना है। ये देखिए इस तरह से कितना अच्छा शेप आया है। हम इसमें जितनी अच्छी स्टफिंग भरेंगे उतनी ही अच्छी शेप आएगी इस गुंजिया की, देख सकते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पर सारी गुंजिया बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम इनको यहाँ पर ढक कर रखेंगे और जितनी हमें फ्राई करनी है उतनी ही निकालेंगे। और तेल मैंने यहाँ पर पहले गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पर हम ये गुंजिया फ्राई करेंगे। और देखिए जितनी हमारी कढ़ाई में गुंजिया आएंगी हम उतनी ही गुंजिया डालेंगे, ज़्यादा कढ़ाई को भरेंगे नहीं, ऊपर नीचे गुंजिया को नहीं भरना है। और देखिए हमें यहाँ पर इनको डालने के बाद बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ये अपने आप ही जैसे जैसे फ्राई होती जाएंगी अपने आप ही तेल के ऊपर तैरती जाएंगी। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ऊपर आ गई हैं सारी गुंजियाँ। अब हम इनको यहाँ पर पलट देंगे और इनको हम यहाँ पर हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। गैस की फ्लेम का ध्यान रखना है, मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो इनकी परत जो है वो ज़्यादा डार्क हो जाएगी और फिर ये खस्ता भी नहीं बनेंगी। और देखने से ही लग रहा है कि ये गुंजिया कितनी खस्ता बनी है ऊपर से। ऐसे ही हम यहाँ पर सारी गुंजिया चक्री फ्राई कर लेंगे। और ये एक गुंजिया देख रहे हैं आप, ये मैंने हाथ से बनाया था। अब हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे। मैंने आधा कटोरी चीनी लिया है, आधा कटोरी ही पानी ऐड किया है। और चीनी को हम यहाँ पर अच्छे से पिघला लेंगे। हमें यहाँ पर चाशनी एक तार दो तार की नहीं बनानी है, सिर्फ चीनी को पिघलाना है, वो हल्की सी चिपचिपी हो जाए, मतलब शहद जैसी हो जाए, इतना ही हमें यहाँ पर चीनी को पकाना है। अब हम इसमें खुशबू के लिए इलायची पाउडर ऐड करेंगे। आप यहाँ पर हरी वाले इलायची को भी कूट कर डाल सकते हो। थोड़ा सा मैंने कलर लिया है, येलो कलर फूड लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर केसर के धागे भी ऐड कर सकते हो। कलर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चीनी के साथ में, बहुत ही बढ़िया कलर आता है। जो हलवाई लोग रहते हैं वो ऐसे ही कलर का यूज करते हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं गुंजिया दिखने में। और ये देखिए इस तरह से चिपका कर देख लीजिए उंगलियों में, अच्छे से चिपचिपी हो जाए, इतनी हमें इनको पकाना है। अब हम इसमें ये सारी गुंजिया चकरी डाल देंगे। और ये देखिए जो गुंजिया चकरी दिख रही हैं इनके ऊपर जब ये चाशनी का कलर चढ़ेगा तो बहुत ही अच्छी लगेंगी, देख सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, आराम से मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल भी टूटेंगी फूटेंगी नहीं ये गुंजिया। आप इनको अलग बर्तन में डाल करके चाशनी ऊपर से डाल दीजिए, ऐसे भी बहुत ही अच्छे से चाशनी गुंजिया के ऊपर चिपक जाती है। ये देखिए इस तरह से डाल देंगे और इसको हम यहाँ पर 15 से 20 मिनट के लिए चाशनी के अंदर डुबो कर रखेंगे। लेकिन बीच बीच में आप इनको उलट पुलट करते रहिए ताकि चाशनी जो है वो गुंजिया के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए चाशनी जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी
वैसे वैसे ये और गाढ़ी होती जाएगी और गुंजिया के ऊपर चिपकती जाएगी। बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ जाती है गुंजिया में इस तरह से हल्की सी चाशनी डालने से। ऊपर से भी जो इनकी परत है वो मीठी हो जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।